आगे बढ़ें और आपको बताएं, परवाज फ्यूचर रेजी के जेर एहतमाम कराची के मकामी होटल में मुल्क में मुलाजमतों के मुस्तकिल के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर आजम के मुआविन खसूसी समेत दीगर समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और PSDF का पाकिस्तान में मुस्तकबिल के हुनरों को फरोग देने का मुस्बत कदम। परवाज फ्यूचर रेडी के जेर एहतमाम कराची के मकामी होटल में मुल्क में मुलाजमतों के मुस्तकबिल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आजम के मावन खसूसी जुल्फी बुखारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब का खिताब में वजीर आजम के मावन खसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि हुकूमत वक्त और पाकिस्तानी कंपनियां इस संगीन मसले के हल के लिए तनकीदी सोच, तकनीकी सलाहियतों और कायदाना शोबों में मुलाजमत की सलाहियतों को फरोग देने पर भरपूर काम कर रही हैं। बतौर पाकिस्तानी होते हुए आप लोगों को इस चीज पर फख्र होना चाहिए कि जितनी अच्छी रिपैट्रिएशन पाकिस्तान की थी अपने लोगों की, बिल्कुल जैसे रुपये के हर बंदा तकलीफ से गुजरा, इसे मैं आर्ग्यू नहीं करता, लेकिन जितने लोग, कुछ 5 लाख लोग हम वापस रिपैट्रिएट कर चुके, जब दुनिया की एयर स्पेस बंद थी, पाकिस्तान फिर भी किसी न किसी तरीके से लोगों को गाइड देकर वापस नहीं आ रहा। इस मौके पर परवाज की कंट्री मैनेजर मिशेल यूसुफ व दीगर कारोबारी शख्सियात का कहना था कि इससे मुल्क में मुलाजमतों की मजीद राह हमवार होंगी, ये परवाज का एक मुस्बत कदम है। परवाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एम्प्लॉयर्स लीड कर रहे हैं, जिस तरह के आपने अभी देखा एंग्रो है, HPL है, रोजी है, दराज है, सिस्टम्स लिमिटेड है, एबिटस है, इसमें 40 कंपनियां हैं जो अपनी मर्जी के करिकुलम पे और अपनी मर्जी के तरीके से बच्चों को ट्रेन करके, स्किल्स देके और उनको हायर करने की कमिटमेंट दे रही हैं। सेमिनार में परवाज की माजी और मौजूदा कामयाबियों पर भी रोशनी डाली गई। तकरीब में कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद भी शरीक रही। कैमरामैन मोहम्मद हुनैन के साथ अब्दुलरहमान, K21 न्यूज।